नेक्स्ट सेम चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले कि कैसे पार्टनरशिप फॉर्म का असेसमेंट होता है। तो समरी मैट खोल लेना और फॉर्म असेसमेंट वाला नोट्स निकाल लेना, क्योंकि याद तो तुम्हें कुछ होगा नहीं। शेयर करो, सब में पेज नंबर 1 ही आता है, वैसे 6 में बोल के पेज नंबर 6 में आया। क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 33 पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। जल्दी पढ़ो, मैं डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगा, फिर मत बोलना ये मैच छूट गया। एक बार फॉर्म असेसमेंट का नोट्स रीड कर लो 2 मिनट में, एंड देन वी आर मूविंग ऑन टू द सब्जेक्ट। फॉर्म असेसमेंट में जो नोट्स लिखा हुआ है उसे रीड कर लीजिए 2 मिनट में। और मेरे पास लास्ट का ही बचा है, कौन क्या कर रहा है, फोन चला रहा है। आई अप्रिशिएट सर, झगड़ रही है देखिए भाई। आई अपोलोजाइज, लेट्स मूव, ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, आप क्वेश्चन में आपको देख रहे हो, मैं तो तब से वही बोल रहा हूँ पढ़ो, तब से क्या गेम ही है। मैं तो क्या करूँ, रिप्लाई तो करना होगा, बोल ले ये देखिए वो देखिए, रिप्लाई नहीं करूंगा बोले देख नहीं रहे, किसको किसको हैंडल कर रहे मतलब उस पीरियड का। वो तो ठीक है, पार्टनर कितने भी हो सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नोट्स में जो है दो चीज लिखा हुआ है, नोट्स में दो इम्पोर्टेंट चीज ये लिखा हुआ है कि रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन क्या होता है, हम लोग को एज पर लॉ देना होगा। लॉ में क्या लिखा हुआ है कि पहला 3 लाख रुपए तक जो कमाते हैं फर्म, जो पहला 3 लाख तक कमाता है बुक प्रॉफिट, उसके ऊपर 90% हम लोग को पैसे एज अ रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, या फिर 1.5 लाख दे सकते हैं, विच एवर इज हायर। अब बुक प्रॉफिट क्या होता है, बुक प्रॉफिट होता है एडजस्टमेंट्स के बाद वाला प्रॉफिट। जैसे हम लोग फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में जो सम्स किए थे, पीएल होता था बिजनेस का, फर्म भी एक बिजनेस है, तो बिजनेस का वापस से यहाँ पीएल ही आपको देगा क्वेश्चन में। तो हम लोग स्टार्ट वैसे ही करेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल, फिर कुछ ऐड करेंगे, कुछ लेस करेंगे, एंड फाइनली आ जाएगा हम लोग का बुक प्रॉफिट। जो एडजस्टमेंट के बाद वाला फिगर आता है उसको हम लोग कहते हैं बुक प्रॉफिट। उस बुक प्रॉफिट से आप लोग को रेम्यूनरेशन माइनस करना है। रेम्यूनरेशन का मतलब या तो सैलरी या फिर कमीशन, ये सारे को हम लोग एक ही वर्ड में बुलाते हैं रेम्यूनरेशन। तो उसको आपको माइनस करना, उसको माइनस करने का कुछ कानून दिया हुआ है। अगर आपका आंसर 3 लाख से कम आता है तब तो सीधा 90% ऑफ जो आंसर आया, जो बुक प्रॉफिट आया आपका, सपोज आपका बुक प्रॉफिट आया 1,50,000, तो सीधा उसका 90% और 1.5 लाख विच एवर इज हायर। लेकिन सपोज आपका बुक प्रॉफिट 3 लाख से ज्यादा आता है तो क्या करेंगे, तो पहला 3 लाख पे 90% और बाकी जो बैलेंस बचता है, सपोज 5 लाख आया तो 5 लाख आया तो 2 लाख जो बचा उसके ऊपर 60% करके दोनों को टोटल करेंगे, दैट विल बी योर मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अलाउड। उसके बाद दो सिचुएशन हो सकते हैं क्वेश्चन में, पहला आपका रेम्यूनरेशन जो मैक्सिमम आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद वो ज्यादा आ रहा है, तो जितना भी बुक में दिया था सैलरी और कमीशन उतना ही वापस से अलाउएबल हो जाएगा, उतना माइनस कर सकते हो। लेकिन बुक में जो सैलरी रेम्यूनरेशन दिया है अगर वो ज्यादा है आपके कैलकुलेशन से, तो आप कितना दोगे, मैक्सिमम जो आपका कैलकुलेशन वाला आया वो, ठीक है, क्योंकि दोनों में से जो लोअर है वही देंगे फाइनल आंसर का। उसके बाद आता है इंटरेस्ट का बात,
इंटरेस्ट मैक्सिमम कितना परसेंट दे सकते हैं हम लोग, 12%, ठीक है, मैक्सिमम इंटरेस्ट इज अलाउबल 12%, लेकिन क्वेश्चन में आपको देखो कितना परसेंट दिया हुआ इंटरेस्ट, 20%, ठीक है। सो क्वेश्चन में आपको 20% इंटरेस्ट दिया है, कितना अलाउ है मैक्सिमम 12, हम लोग 8% को क्या करेंगे, डिसअलाउ कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे होगा, जितना इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन है, कितना गिवन है क्वेश्चन में 20%, वैल्यू वही जो भी है, दोनों का मिला के जो भी आ रहा है उतना इंटरेस्ट वो निकला किस रेट से है, 20%, तो डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जितना डिसअलाउ करना है। तो डिसअलाउ कितना करना है, 20 - 12 दैट इज 8, तो 8 का जो भी कैलकुलेशन करके आएगा उसको हम लोग एड बैक कर देंगे, ठीक है। सो ये दो कैलकुलेशन पार्टनरशिप फर्म में हम लोग को नया सीखना रहता है, बाकी सब सेम एज इट इज। सो लेट्स स्टार्ट। सेम फॉर्मेट बनाना जैसे बनाते हो एज पर पीएल वगैरह। हाँ भाई, जो भी हम लोग लिखते हैं सेम स्टेटमेंट है। इस बार क्या बोल रहे हैं, निकाल लें टोटल इनकम या प्रोफेशन। शुरू कैसे करते हैं, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल। सो आप लोग बताओ नेट प्रॉफिट एज पर पीएल कितना है, 24,000। आउटर कॉलम में लिखेंगे, बाकी सारे एडजस्टमेंट इनर कॉलम में। चलो एक एक करके जो आपको लगता है ऐड होना चाहिए, लेस होना चाहिए, एक एक करके लिखते चलो, फाइनल फिर डिस्कस करते हैं। सर हम लोग तो पहले नेट प्रॉफिट में जो खर्चा डिस्कस था नहीं था वो ऐड करते थे, एडिशन वो से करना था फॉर्मेट में, है ना। वही करना है, वही करना है ना, मतलब वही सेम चीज वही प्रोसेस है। चलो पहला आइटम बताओ, फर्स्ट आइटम ऑन द क्रेडिट साइड, सैलरी। क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं, क्रेडिट में क्या है, बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट, सो बैंक इंटरेस्ट तो अदर सोर्सेज में आते हैं, यहाँ आना नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ से क्या करते थे, लेस। क्यों लेस कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ एडजस्टेड होता है नेट प्रॉफिट, तो जो यहाँ से नहीं आता है उसको निकाल देंगे। कितना है, 14,000, सिर्फ 14,000। नेक्स्ट आइटम ऑफ इनकम, वो तो ठीक है नॉर्मल प्रॉफिट बिजनेस का ही है। आ जाता है डेबिट साइड में, पहला आइटम क्या है, सैलरी। जो दिया हुआ है वो नॉर्मल जो स्टाफ को दिया जाता है वो सैलरी है। अब हम लोग जो डिसअलाउ करते हैं पूरा वो है सैलरी टू पार्टनर्स, ये तो नॉर्मल बिजनेस का सैलरी है तो ये अलाउ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल उसका बिजनेस है, दो ही तो इनकम है उसके पास, बैंक इंटरेस्ट अदर सोर्सेज है, उसका काम कंसल्टेंट का है।
ओके तो सैलरीज को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट आइटम क्या है? डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, पीएल वाला है वो क्या होगा? एप्पल जाएगा, डेप्रिसिएशन उसको अलग से करें, एज पर पीएल कितना है, एड कितना होगा? और हम लोग माइनस कौन सा करते हैं जो एडजस्टमेंट में रहता है? इनकम टैक्स में। कितना है डेप्रिसिएशन एज पर आईडी? इसके बाद क्या आता है? रेंट तो नहीं होगा। रेंट इज अ बिजनेस एक्सपेंस, कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं देख लो खाली, तो रेंट को छोड़ दो। नेक्स्ट आइटम, एनी प्रोविजन इज नॉट अलाउड, सो प्रोविजन को ऐड करेंगे। हाउ मच? 5000। नेक्स्ट आइटम, तो पार्टनर का जो सैलरी है तो ये बिजनेस एक्सपेंस ही, बट अभी के लिए फिलहाल हम लोग इसको एड बैक कर देंगे, फिर जब बुक प्रॉफिट आ जाएगा देन कैलकुलेशन करके वापस से निकालेंगे। तो सैलरी और कमीशन को हम लोग एड बैक कर देंगे जो पार्टनर को हम लोग दे रहे हैं। तो सैलरी ए का कितना, बी का कितना? ए का 54, बी का 72। अभी सैलरी को डिसअलाउ कर दिए, बाद में जब रेम्यूनेशन निकाल लेंगे फिर माइनस कर लेंगे लास्ट में आफ्टर बुक प्रॉफिट। ऑफिस एक्सपेंस तो नॉर्मल एक्सपेंस है, पेनल्टी है तो पेनल्टी टू कस्टम्स को एडवाइज कर देंगे बिकॉज एनी वायलेशन ऑफ लॉ इज नॉट एक्सेप्टेबल। पेनल्टी टू कस्टम्स कितना है? नेक्स्ट आइटम, कमीशन टू बी, अगेन कमीशन भी रेम्यूनेशन का ही पार्ट है। हाउ मच? 9000। नेक्स्ट, पेनल्टी टू कस्टम एक वायलेशन ऑफ लॉ है तो ये एक्सपेंस माइनस नहीं होना चाहिए तो ऐड होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू भी हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अपने पास वही है, अपने को पहले टोटल कर लेना चाहिए। हाउ मच कितना कितना है? 8000, 7000, 15000 टोटल। तो 8000 एंड 7000 ये है टोटल एक्सपेंस ऑफ द इंटरेस्ट। ये जो निकाला गया है इसका कैलकुलेशन कितने परसेंट से किया गया? 20। सो हम लोग इसको डिवाइड 20 से करेंगे, 20% से, और मल्टीप्लाई करेंगे जितना से हमको डिसअलाउ करना है। सो डिसअलाउ कितना करना है? मैक्सिमम अलाउड है 12% तक, तो हम लोग डिसअलाउ करेंगे 20 - 12, दैट इज 8% जितना एड बैक करना है। कितना आ रहा है? 6000। जो चीज तुम्हारा निकला हुआ है इंटरेस्ट वो निकला हुआ है ज्यादा रेट से, तो ज्यादा रेट से निकाल लो पहले डिवाइड करके कि 1% का कितना हिसाब बनता है, तो तुमको डिसअलाउ उसको कितना करना है? 12 तक तो अलाउ ही है, तो 8% एक्स्ट्रा तुम दिए उसको, तो 8% एड करना एक्स्ट्रा, तो 20 - 12 कर। इसके बाद और कोई आइटम बताओ? प्रॉफिट तो वो तो ठीक है, नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस। चलो हाँ, ना क्या बात हुआ था जो एडजस्टमेंट के बाद 24,000 प्लस 140 के बाद जो आंसर आ रही है 164, इसे क्या कहेंगे हम लोग? क्या बात हुआ था, क्या हुआ? अरे तो नेट प्रॉफिट ऊपर जो 24,000 वो जोड़ोगे नहीं क्या? वेरी गुड, तो एडजस्टमेंट के बाद जो फिगर आता है उसे हम लोग कहते हैं बुक प्रॉफिट। चिमिंटू से सुमित थोड़ा सा देखो एडजस्ट कर लो, ऐसा लगा कि तुम्हें नीचे झुकने नहीं जमीन के अंदर जाने को अग्रेशन। सर आप ना, हाँ आगे बस
कौन बोल रहा था? आपको तो दिख ही नहीं रहा कौन है, मतलब कहाँ है कौन? आगे बढ़ते हैं बुक प्रॉफिट के बाद. अब हम लोग करेंगे लेस. यहाँ पे जो हम लोग सैलरी और कमीशन को एड बैक करके आए थे, इसको हम लोग ये जो एड बैक किए थे इसको हम लोग को लेस करना है. लेस किस फॉर्म में करना है? रेम्यूनरेशन के नाम से. ठीक है, जो हम लोग सैलरी और कमीशन के एड बैक किए उसको हम लोग को वापस से लेस तो करना है, बिकॉज है तो ये बिजनेस एक्सपेंस. बट हम लोग एड क्यों किए थे? जस्ट इसलिए ऐड किए थे ताकि मेरा जो एक्सपेंस है वो रियल वाला जो एज पर लॉ है वो निकाल सके. तो एज पर लॉ निकालने के लिए हम लोग को रूल्स फॉलो करना होगा, बुक प्रॉफिट देखना होगा, फिर देखना होगा कि पहला बुक प्रॉफिट तक क्या सिचुएशन, फिर उसके बाद ओवर पहला 3 लाख तक क्या सिचुएशन है, अबव है. ठीक है, तो पहले हम लोग रेमुनरेशन देखेंगे कैसे आएगा. हम लोग के पास अब क्या है कि 3 लाख तो प्रॉफिट ही नहीं, तो हम लोग का फर्स्ट लैब से ही काम चल जाएगा. अगर ये 3 लाख के ऊपर होता, ये जो बुक प्रॉफिट है, ये अगर सपोज 5 लाख होता तो हम लोग क्या करते, पहला 3 लाख पे और उसके बाद जो बचता है उसके पास 60%. पर वो सिचुएशन तक गया ही नहीं मैटर. मैटर भी कहां तक है? लेस देन 3 लाख है. सो लेस देन 3 लाख है तो क्या करेंगे? वर्किंग नोट 1 बनाते हैं. कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेमिशन अलाउएबल. सो पहले हम लोग क्या करेंगे, 1,64,000 का 90% कर लेंगे. बहुत ध्यान से सुना है, 90% कर लेंगे. ये कैलकुलेशन करो और रुपीज 1,50,000 क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? हायर ऑफ फॉलोइंग. नोट्स में पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है. हायर ऑफ द फॉलोइंग, हाँ तो हायर में क्या होगा, दोनों का हायर लेना है आपको. तो इसका ये कितना आ रहा है? 1,47,600 और इसके बाद आ रहा है 1.5 लाख. सो इन दोनों का हायर क्या हो गया? 1.5 लाख हायर हो गया. 1.5 लाख. सो हम लोग का आंसर है कि हम लोग मैक्सिमम ना सैलरी दे सकते हैं, सैलरी और कमीशन मिलाकर पेमेंट कर सकते हैं 1.5 लाख. ये हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम करना जरूरी थोड़ी है. इतना अपना औकात है कि हम लोग 1.5 लाख तक दे सकते हैं इस कंपनी से, इस फॉर्म से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. लेकिन हम लोग एक्चुअल में कितना दिए हैं वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं. एक्चुअल रेम्यूनरेशन पेड, सैलरी एंड कमीशन सब लेके हम लोग करेंगे. सैलरी टू ए, सैलरी टू बी एंड कमीशन टू बी सारे आएंगे. सैलरी टू ए, सैलरी टू बी कितना है प्लीज टेल मी एक एक करके सारा. 54,000. एक्सेलेंट. सो इन दोनों तीनों को मिला के कितना हो रहा है? 135. सो मैक्सिमम अलाउड है 1.5 लाख, लेकिन हम लोग पहले से दे रहे थे 1,35,000 तो हम लोग ठीक ही दे रहे थे. पहले जो हम लोग एडबैक किए हम लोग ठीक ही दे रहे थे, तो हम लोग वापस से उसी 1,35,000 को लेस कर देंगे. बट दूसरा सिचुएशन क्या अराइज हो सकता है हम लोग के सामने, ये 1.5 लाख है और ये वाला जो फिगर है ये समथिंग आया सपोज 1,70,000. ठीक है, उस सिचुएशन में क्या करेंगे? यहाँ पे जो रेम्यूनरेशन है 1,50,000 ही माइनस होगा, मतलब मैक्सिमम से ज्यादा माइनस नहीं कर सकते. लेकिन अभी क्या सिचुएशन है, हम लोग पहले से 1,35,000 ही दे रहे थे, सो मैक्सिमम की लिमिट के अंदर ही है, हम लोग वापस से उसी फिगर को माइनस कर देंगे. प्रॉफिट हो गया सैलरी के बाद जो बचा पैसा. अच्छा, अपना सैलरी ले लिया उसके बाद कंपनी का ये प्रॉफिट, कंपनी का ये प्रॉफिट है, उसमें प्रॉफिट बढ़ गया, भी प्रॉफिट बढ़ गया. हाँ ठीक है. सो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन जो आ रहा है 29,000, लेकिन ये सिर्फ निकालने बोला नहीं है इस क्वेश्चन, और भी चीज बोला है. सो हम लोग IFOS देखते हैं कितना IFOS है.
आईएफओ समझदार ना क्या होता है गजब कितना है आईएफ फिगर फिगर कितना है फिगर क्या चीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस निकालना पड़ेगा सर दिया हुआ है क्वेश्चन क्रेडिट साइड में देखो ना एक ही तो आइटम था हाँ क्या चीज का था बैंक माइनस कर माइनस किए थे क्योंकि हम लोग तब क्या निकाल रहे थे तब हम लोग निकाल रहे थे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन अभी हम लोग क्या निकाल रहे उसका टोटल इनकम तो टोटल इनकम में अदर सोर्सेज भी आएगा सो बैंक इंटरेस्ट भी आएगा वो तो आया ही हुआ है ऑलरेडी इस नेट प्रॉफिट के अंदर आ ही चुका है ना 24,000 के अंदर इसीलिए दो दो बार नहीं लिखेंगे ना उसको जिसको माइनस किया तो उसको अलग हेड में लिखा जाता है जिसको माइनस ही नहीं किया उसको वापस से क्यों हेड में लिखेगी हाउ मच इज द बैंक इंटरेस्ट 14,000 इसको हम लोग क्या बोलेंगे लॉस टोटली नॉट टोटली सारे हेड ऑफ इनकम को मिला के जो फिगर आता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम उसमें से लेस हो जाता है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एंड उसके बाद आता है टोटल इनकम सो अभी हम लोग इसको सिर्फ ग्रॉस टोटल इनकम नेट नहीं सिर्फ टोटल इनकम हाँ नेट बोल के कुछ नहीं बोलते टैक्स में नहीं नहीं नेट में कुछ बोलते नहीं टैक्स में टैक्स में ये सब वर्डिंग टैक्स करें चेंज नहीं करेगा इसको अभी ये जीरो है जब हम लोग अभी डिडक्शन एंड रिपीट वाला चैप्टर डिडक्शन पढ़ेंगे जब चैप्टर तब उसमें देखना ये सब सीखेंगे कैसे क्या होता है नहीं होता इस चैप्टर में नहीं है बट अल्टीमेटली जब तुम सेम फाइव में जाओगे तो उनको कंबाइन करके पढ़ना पड़ेगा मतलब सारे चैप्टर एक साथ आएंगे एक क्वेश्चन अभी नहीं नहीं अभी ये जीरो आ रहा है ठीक है ऐसे ही करना है जब हम डिडक्शन पढ़ा देंगे उसके बाद तुम देखना किसी किसी में ला के वैसा दिखाएंगे कि उसमें भी आएगा लिखना होगा क्या हाँ लिखना पड़ेगा प्रेजेंटेशन तो ऐसा ही है ना 6A डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A रोमन लेटर में एग्जैक्टली जैसे मैंने लिखा है वैसे आप अपना 6 मत लिख देना क्योंकि सारे लॉ का वर्ड्स है हर एक वर्ड्स में जो लिख रहे हैं लॉ का ये बुक प्रॉफिट भी है बुक में कितना भी प्रॉफिट मत लिख देना ठीक है जो भी चीज लिखा हुआ सब लॉ का लैंग्वेज है आप चेंज नहीं कर सकते इसको क्या बोल रहे हैं जी चैप्टर 6A क्या कुछ तो पढ़े हैं वेरी गुड ठीक है हम लोग नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे अभी पहले तो होमवर्क देंगे और नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे डिडक्शंस एंड रिबेट शुरू करेंगे ठीक है तो मैं बता रहा हूँ डिडक्शंस एंड रिबेट हम लोग शुरू करेंगे मेरे को पीजीपी में एक क्लास और करा है लेकिन उसमें हमको डिडक्शंस एंड रिबेट का हेल्प करेगा मतलब डिडक्शंस ये जो चैप्टर 6 वाला है अभी जो हम लोग दोनों सम के उसमें उसका कोई एप्लीकेशन नहीं था 0-0 कर दिया काम खत्म लेकिन कुछ सम में उसका एप्लीकेशन आएगा उस चैप्टर का तो पहले उस चैप्टर पढ़ेंगे दो क्लास लगेगा मैक्सिमम उसके बाद इसमें आएंगे वापस ठीक है चलो सो ये सारा रिवाइज करना वो साथ साथ ही चल रहा है ऐसे ही समझ होमवर्क लिख दो क्वेश्चन होमवर्क दे रहे दोनों करना और अभी देख लो कोई डाउट नहीं है उस क्वेश्चन को देख के ताकि बाद में कोई इश्यू ना मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डाउट है कि नहीं हाँ होमवर्क क्वेश्चन नंबर 9 देख लो कोई डाउट है कि नहीं हो जाएगा ना हो जाएगा हाँ बोलो सर हाँ बोलो सर बैंक इंटरेस्ट वाले पर रिपीट करिए ना बैंक इंटरेस्ट हम लोग ऊपर से माइनस कर दिए थे क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में वो नहीं आता है तो वो जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो हम लोग नीचे में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड करते हैं ठीक है सर बोलो सर वाला बता दीजिए ना एक बार कर लो कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हाँ देख लो ये कोई डाउट है कि नहीं पूछ लो 5 and 9 क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 9 सर एक बार थोड़ा नीचे करिए ना स्क्रीन हाँ बता दीजिए ना फिर से रेम्यूनरेशन वाला रेम्यूनरेशन में टोटल जो प्रॉफिट है वो आया 1,64,000 अगर वो 3 लाख से ऊपर नहीं है तो आपको बस 90% और 1.5 लाख विच एवर इज हायर करना है
अगर वो करके आपका आंसर हायर करके भी 1.5 लाख ही आ रहा है और आपका जो गिवन सैलरी एक्चुअल में आप दे रहे हो वो 1.5 लाख से कम है, तो आप वही फिगर लिखोगे जो दिया हुआ है, जो आपने कैलकुलेशन मतलब बुक में जो दिया हुआ था। लेकिन अगर वो 1.5 लाख से ज्यादा आता, सपोज 1,70,000 आता, तो आप लोग लिखते 1,50,000 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। थैंक यू। ठीक है, हो जाएगा वो दोनों। चलो बाय बाय।